नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मोदी सरकार के 39 मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। आज भूपेंद्र यादव आए हैं राजस्थान दौरे पर। झुंझुनू और राजसमंद ने कार्यक्रमों में की शिरकत, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के तहत यादव 19-20-21 अगस्त को भी रहेंगे प्रदेश में। प्रदेश के 3 जिलों में निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा में सतीश पुनिया, गुलाब चंद कटारिया, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौर भी मौजूद रहेंगे। जनता से आशीर्वाद लेंगे व जनता से संवाद करेंगे। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे यादव। यादव 19 से 21 अगस्त तक 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं। अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर व अजमेर प्रवास पर इन 3 दिनों में रहेंगे। 19 अगस्त को अलवर जिले के भिवाड़ी से ये यात्रा शुरू होगी। लगभग 417 किलोमीटर की होगी राजस्थान की ये यात्रा, जिसमें 40 से अधिक स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम होंगे। यात्रा 19 अगस्त को सुबह 8:30 बजे भिवाड़ी से शुरू होगी। भिवाड़ी, तिजारा, किशनगढ़बाज, बांसूर, कोटपुतली, शाहपुरा में स्वागत सभा होगी और 20 अगस्त को दूदू, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर में स्वागत सभा होगी। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम यहां पर तय है। जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे मोदी सरकार के 39 मंत्री और प्रदेश में भी ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और इसी के लिए भूपेंद्र यादव पहुंच चुके हैं। प्रदेश में मोदी सरकार के 39 मंत्रियों में भूपेंद्र यादव भी शामिल हैं, जो राजस्थान का दौरा करेंगे। झुंझुनू और राजसमंद में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के तहत यादव 19-20-21 अगस्त को भी प्रदेश में ही रहेंगे, जहाँ पर प्रदेश के भी कई दिग्गज भाजपा नेता शामिल होंगे इस जन आशीर्वाद यात्रा में। आयकर विभाग में हुए तबादलों का असर राज्य पर भी। सीबीडीटी ने आज किए 222 आईआरएस अधिकारियों के तबादले। 79 आईआरएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीसीआईटी, पीटीआईटी स्तर के आईआरएस अधिकारी इधर से उधर हुए हैं, तो वही विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। आदेश का राज्य के 10 आईआरएस अधिकारियों पर असर होगा। पीटीआईटी के पद पर हुई सुधांशु शेखर झा की नियुक्ति। वर्तमान पीटीआईटी राजेश्वर यादव का बीकानेर तबादला हुआ है। वही पीसीआईटी आरएफएससी एयू बीकानेर की जिम्मेदारी संभालेंगे यादव। जयपुर की जिम्मेदारी रोली अग्रवाल को दी गई है, तो वहीं श्यामा एस बंसिया को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीसीआईटी जयपुर 2 की जिम्मेदारी यहां पर प्रतिमा कौशिक को दी गई है। अजमेर के पद पर भी मुकेश वर्मा का तबादला यहां पर कर दिया गया है। पीसीआईटी आरएफएससी जोधपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे नरेंद्र कुमार, और इसके साथ ही पीसीआईटी उदयपुर, पीसीआईटी जोधपुर 1, पीसीआईटी आरएफएससी एयू अलवर व पीसीआईटी आरएफएससी आरयू कोटा का भी अतिरिक्त प्रभार यहां पर दे दिया गया। भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी योगेश शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, तो इसका असर राज्य पर भी पड़ा है। आयकर विभाग में तबादलों का ये असर है और राज्य पर भी ये असर नजर आ रहा है, जिस तरह से तबादले किए गए हैं। सबकी जिम्मेदारियां यहां पर तय हैं और इन तबादलों में अगर बात की जाए तो वर्तमान पीटीआईटी राजेश्वर यादव का बीकानेर तबादला किया गया है। मिशन उत्तराखंड पर अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने उत्तराखंड सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया है। कर्नल अजय कोठियाल आप पार्टी से सीएम उम्मीदवार होंगे और अगले साल होने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव। देहरादून में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कहा, उत्तराखंड में जो भी पार्टियां आई उन्होंने लूटा है। उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचने वाला चाहिए है। उत्तराखंड में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। चले बढ़ते आगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, रेप पीड़ित पर राहुल गांधी ने राजनीति की। राहुल गांधी ने गैर कानूनी तरीके से ट्वीट किया। पीड़ित के परिजनों की तस्वीर सार्वजनिक क्यों की? राहुल ने संवेदनहीनता दिखाते हुए तस्वीर ट्वीट की है। पीड़ित के परिजनों ने मंजूरी नहीं दी थी। जनता ने राहुल का राजनीति अकाउंट बंद किया है, तो ये कहना था भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर यह हमला है, जहां उन्होंने कहा कि रेप पीड़ित पर राहुल गांधी ने राजनीति की तस्वीर को शेयर करके। राहुल गांधी ने गैर कानूनी तरीके से ट्वीट किया। पीड़ित के परिजनों की तस्वीर सार्वजनिक आखिर क्यों की? राहुल ने संवेदनहीनता दिखाते हुए तस्वीर को ट्वीट किया है। पीड़ित के परिजनों ने मंजूरी नहीं दी थी। जनता ने राहुल का राजनीतिक अकाउंट बंद किया है। अडानी समूह खुद ही संचालित करेगा एयरपोर्ट की पार्किंग। अडानी समूह की टीम ने किया जयपुर एयरपोर्ट पर विजिट। एयरपोर्ट टर्मिनल की पार्किंग के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया है और अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ठेके पर संचालित की जाती है पार्किंग। पार्किंग क्षेत्र में संचालन आय की संभावनाओं को तलाशा है। 12 अक्टूबर से अडानी समूह संभालेगा एयरपोर्ट का संचालन।
पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। स्वतंत्र जांच की मांग पर केंद्र सरकार को यह नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई जस्टिस रमन्ना की बेंच यहां पर सुनवाई कर रही है। एडिटर्स गिल्ड कुछ पत्रकारों ने यह याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की बात नहीं है, यहां निजी हितों की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए जवाब जरूरी है। केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का यहाँ समय दिया है। तो ये बेहद अहम मामला जहां पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है। स्वतंत्र जांच की मांग पर केंद्र सरकार को यह नोटिस जारी किया गया। सुष्मिता देव के इस्तीफे से असम त्रिपुरा में कांग्रेस को झटका। असम के बड़े कांग्रेस नेता थे सुष्मिता के पिता संतोष मोहन देव। असम से 5 बार, त्रिपुरा से 2 बार सांसद रहे हैं संतोष मोहन देव। संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता भी दोनों राज्यों में लोकप्रिय हैं। असम और त्रिपुरा में जनाधार बढ़ा रही है तृणमूल कांग्रेस और इसमें तृणमूल कांग्रेस को मिलेगी सुष्मिता देव से बड़ी मदद, क्योंकि अब तृणमूल में शामिल हो गई हैं सुष्मिता देव। अफगानिस्तान के फिल्मकारों का विश्व के नाम खुला पत्र। पिछले हफ्ते अफगान फिल्मकार सारा करीमी ने जारी किया था पत्र, लिखा कि अब तक के सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट से ये देश गुजर रहा है। ड्रग्स के नाम पर महिलाओं और बच्चों की हत्या हो रही है। एक मशहूर कॉमेडियन को मार दिया, कवि को मार दिया, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, परिवारों को भोजन नहीं मिल रहा है, लोगों के सामने बहुत बड़ा सामाजिक संकट है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। सारा करीमी ने विश्व समुदाय से सुरक्षा की गुहार लगाई कि वे सुरक्षा मिल सके। फिल्मकारों का विश्व के नाम खुला पत्र, अफगानिस्तान के फिल्मकारों ने यह पत्र लिखा है, जिसमें पिछले हफ्ते अफगान फिल्मकार सारा करीमी ने यह पत्र जारी किया और उसमें लिखा कि अब तक के सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट से देश गुजर रहा है। तालिबान के 5 खूंखार चलाएंगे सरकार, कोई आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड तो कोई महिलाओं के हकों का दुश्मन। फतवों का मास्टर है मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बताया जाता है शांति वार्ता का हिमायती। तालिबान फाउंडर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को भी सौंपी जाएगी अहम जिम्मेदारी। सिराजुद्दीन हकामी है आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड। शरीयत का जानकार मुल्ला अब्दुल हकीम भी अहम रोल में रहेगा। अलबत्ता अब इनके हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता होगी और इन सभी के पास अहम जिम्मेदारी, अहम रोल में ये नजर आएंगे। तालिबान के 5 खूंखार हैं जो कि अब यहां पर सरकार चलाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का इंटरव्यू, कहा सरकार की प्राथमिकता में सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का विकास सरकार का लक्ष्य है। राज्यों को पिछड़ी जातियों का कोटा तय करने का अधिकार है। कई लोग जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। विपक्ष ने नहीं चलने दी संसद और इसलिए नहीं हो सकी है बहस, फिर भी विपक्षी पार्टियों ने विधेयक का समर्थन किया है।